हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूँ के आटे से नाश्ता। तो फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी भी लगता है और आप फटाफट बनाकर इसको बच्चों के लिए टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हम एक कप गेहूँ का आटा लिए हैं और ये है एक चम्मच अजवाइन। तो इसको हम ऐसे क्रश करके डालेंगे तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, तो ज़रूर इस तरह डालिए। थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे 2-3 चम्मच रिफाइंड तेल, इस तरह से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसका डो लगाएंगे, तो सॉफ्ट सॉफ्ट मतलब बनाना है इसका डो, बहुत ज़्यादा नहीं, कड़ा नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए डो लग गया है अच्छी तरह से। तो इसको ढक कर हम साइड रख देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 उबला हुआ आलू लिए हैं, तो इसको हम मैश कर देंगे ऐसे। आप कद्दूकस से भी कस सकते हैं। तो ये देखिए मैश कर लिए हैं। ये डाल रहे हैं धनिया, जीरे का रोस्ट हुआ पाउडर है, डाल देते हैं। चाट मसाला डाल दिए, स्वाद अनुसार नमक, खड़ा जीरा। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा छोटा प्याज कटा हुआ, 1 गाजर और 1 शिमला मिर्च, इसको भी काट लिए हैं छोटा छोटा, और 1 हरा मिर्चा। और सबको हम मिक्स करेंगे। आलू हम जब उबाल के फ्रिज में रख दिए थे फ्रेंड्स, तो इसलिए देखिए बहुत ज़्यादा गीला नहीं है। तो जब भी आलू उबालिए तो उसको फ्रिज में रखिए, तभी इसके बाद बनाएंगे ना, तो पिचपिचाहा ऐसे नहीं बनता है। देखिए कितना अच्छे से है हुआ है, नहीं बहुत गीला गीला बन जाएगा फिर। अब इसको स्टफिंग को लेंगे ना, इसको ऐसे इस तरह लंबे लंबे में शेप देकर इस तरह बना कर रखना है। ये देखिए फ्रेंड, सारे हम बना लिए हैं। अब इधर आटा भी सेट हो गया है अच्छी तरह से। अब चलते हैं। तो इतना बड़ा हम लोई ले लिए हैं, अब इसको हम बेलेंगे परथन लगा के। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह हो गया है। तो अब इसको हम ले आलू जो स्टफिंग तैयार किए हैं तो उसको हम रख लिए हैं। ये देखिए, इसको हम इस तरह इधर साइड में पानी लगाएंगे और ये इस तरह फोल्ड करेंगे। और ये देखिए, चाकू की मदद से इसे हम कट कर लेंगे। और यहाँ साइड साइड से हम इसको निकाल लेंगे। जो निकला है ना आटा, फिर उसमें हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह हमको तैयार करना है। अब ये जो बाकी का है तो इसमें भी हम इस तरह रखेंगे और इस तरह फिर इसको भी फोल्ड करेंगे और यहाँ पानी लगा के इसको हम अच्छी तरह करेंगे कि चिपक जाए। और यहाँ साइड साइड से दबा देंगे।
ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, वो भी आटे के डो में हम यूज कर लेंगे। तो बस इस तरह हमको सारा बना लेना है फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, सारे हम बना लिए हैं। तो ये सब बनाने के बाद फिर हम कांटे की मदद से ये थोड़ा सा हम इस तरह डिज़ाइन दे दिए हैं कि दिखने में और अच्छा लगे इस तरह से। तो बस बन चुका है। और ये देखिए 3-4 चम्मच हम गेहूं का आटा लिए हैं, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और इसमें हम पानी डाल के इसका घोल तैयार करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए बड़े बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लिए हैं, क्योंकि वो छोटा था ना तो डिप करने में दिक्कत होती, तो इसमें हम डाल लिए हैं। और उधर हम कढ़ाई में तेल रख दिए हैं गर्म होने के लिए। तो चलते हैं फ्राई करने। कढ़ाई में तेल है, गर्म हो गया है। अब इसको हम इस तरह डिप करके डालेंगे। आँच को हमेशा मीडियम ही रखना है, या तो धीमा रखें या मीडियम हो, बहुत ज़्यादा तेज में नहीं रखना है फ्रेंड, नहीं तो अंदर कच्चा रहेगा और ऊपर से हो जाएगा, इसलिए मीडियम आँच ही रखें। तो लो टू मीडियम ही रहना चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा क्रिस्पी भी बन रहा है। तो इसको इसी तरह मीडियम आंच पे ही हम पकने देंगे। तो देखिए हो गया है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। वाह कितना अच्छा कलर आया है फ्रेंड्स और कितना क्रिस्पी बना हुआ है। बाकी का भी डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा अगर हम घोल को गाढ़ा रखते ना तो इसके ऊपर जो कोट होता तो वो अच्छा नहीं लगता फ्रेंड, क्योंकि पतला ही रखना है आपको। देखिए कितना पतला है। और अगर ये बच भी गया ना घोल तो कोई दिक्कत नहीं है, आटा हम सानने में यूज कर लेंगे इसको। और हल्का अगर नमक है तो कोई दिक्कत नहीं है, रोटी और अच्छी ही लगेगी। तो इसको हम जब डो बनाएंगे तो उसमें यूज कर लेंगे। और इसको मीडियम आंच को कर देते हैं। ये भी हो चुका है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए कितनी अच्छी तरह से हो चुका है। अगर फ्रेंड्स आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो जो नहीं खाता है तो वो लहसुन तो इसमें हम आलू में नहीं डाले हैं और प्याज स्किप कर सकते हैं। और वैसे भी आप बनाएंगे ना तो भी बहुत टेस्टी लगेगा। और गर्मा गर्म बरसात में जब आप फ्रेंड्स अपने परिवार को खिलाएंगे ना तो फैमिली तो बहुत खुश हो जाएगी। पानी बरसता रहता है जब मौसम काफ़ी ठंडा रहता है, तो गर्मा गर्म पकौड़ा रोल यही सब खाने का बहुत मज़ा आता है। तो ज़रूर आप इस तरह बनाइए, बहुत टेस्टी लगेगा और घर वालों को बहुत पसंद आएगा। आवाज़ से ही आप देख रहे हैं कितना क्रिस्पी बना हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा आलू रोल तैयार हो गया है। घर के ही सामानों से बना है, गेहूं के आटे से बना है फ्रेंड्स, घर में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। और फटाफट आप बना के गर्मा गर्म खिलाएंगे ना तो परिवार वाले बहुत खुश होंगे, बहुत उनको अच्छा लगेगा। हम एक तोड़ के भी दिखा रहे हैं, कितना अच्छा देखिए स्टफिंग भी लग रहा है देखने में। सच मानिए फ्रेंड्स खाने में बहुत टेस्टी रहेगा, आप एक बार बना कर ज़रूर ट्राई कीजिए।
और अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ा सा भी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।